बोला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जय श्री राम जय मोदी जी नो नहीं ना मैं भगवान की जय करता हूँ बस और किसी की जय नहीं करता अल्लाह की नहीं अल्लाह की ना सिर्फ भगवान अल्लाह विध्वंसकारी है बीजेपी को थोड़ा हो गया था घमंड सर ये क्या हो गया है बीजेपी वालों को बीजेपी वाले सोच में पड़े हुए हैं कि क्या करें करनी से हुआ है कर दिया गरीब आदमियों को मार दिया बिल्डरों को मार दिया मजदूरों को मार दिया अब बीजेपी वाले ये जाने हो क्या कर रहे हैं ये अजीत आदमी को घमंड हो जाता ना रावण का घमंड राम जी ने एक मिनट में उतार दिया घमंड ज्यादा हो गया था थोड़ा बहुत चेंज हुआ ज्यादा लोग परेशान ज्यादा हुए हिंदू मुस्लिम मिल के होना चाहिए बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम नहीं करते ना हिंदू मुस्लिम नहीं करते वो अपना सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हर चीज में बैंक में ले लो जीएसटी का ले लो हाँ। नहीं करती रहो या कोई प्रॉब्लम है नहीं नहीं करते रहिए ना बिल्कुल सही लग रहा है एकदम सही लग रहा हाँ। अयोध्या में क्या हो रहा है देख अयोध्या का मैं आदमी कभी कभी मंदिर जाता हूँ साल छह महीने मैं इतनी धर्म के बारे में कुछ नमस्ते जी नमस्ते ये आगे धर्म के प्रचारक मंदिर बनना चाहिए मस्जिद बनना चाहिए मंदिर बनना चाहिए मुसलमान खुद चाहते हैं वहाँ मस्जिद नहीं है और वहाँ पर मंदिर बने मस्जिद है मस्जिद बननी चाहिए लेकिन लोगों का कहना है कि राम जी की भूमि है और अयोध्या है तो राम मंदिर बनना चाहिए जो सबूत के तौर पे मस्जिद ही तो थी नो हिस्टोरिकल एविडेंस हैज बीन प्रूव्ड दैट देयर वाज ए राम जन्म भूमि मंदिर देयर बट देयर वाज आल्सो बाबरी मस्जिद नो बाबरी मस्जिद देयर वाज नो बाबरी मस्जिद देयर दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मिस्टर मीर बांकी और जो मंदिर था उसको तोपे लगा के उड़ाया गया था ये हिस्टोरिकल एविडेंस है इसकी जो है ना आपको हर जगह इसका एविडेंस मिलेगा यदि चाहिए आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप दो मैं आपको पूरी हिस्ट्री भेज देता हूँ अच्छा या फिर मंदिर बनना चाहिए मस्जिद एक मंदिर 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 बनना चाहिए मंदिर बनना चाहिए मस्जिद बनना चाहिए जो भी बन जाए हमें क्या फर्क पड़ेगा उससे ये बताओ चाहे तो कभी भी बना सकते हैं बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो वही जाने वही पॉलिटिशियन नहीं बन पाएगा ये मुद्दा है पार्टियों का मुद्दा है कभी जब इतने चार साढ़े साल छह साल से ये सो रहे थे हाँ। अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं हाँ। तो इनका वही राग है हाँ। कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर तो राम मंदिर बनाएंगे नहीं बनाएंगे नहीं कुछ नहीं हो सकता सर इसका कुछ नहीं हो सकता अच्छा अगर वहाँ मंदिर बने या मस्जिद बने कुछ फर्क पड़ेगा आपको हाँ नहीं मंदिर बनना चाहिए भाई से मंदिर बनाएंगे मस्जिद में अरे भैया आज तक वहाँ मस्जिद थी ही नहीं कभी नमाज ही नहीं अदा की गई फर्क तो पड़ेगा मुसलमानों को क्योंकि मस्जिद थी पहले उसे तोड़ दी गई फिर बनाने मंदिर बनाना चाह रहे हैं गलत है मुसलमानों को दिखोगे दोनों बनाते अलग अलग फासला दे के दोनों को फायदा तो अच्छा अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत है अभी तो दिक्कत नहीं हुई मरते है आदमी हर साल इलेक्शनों में कोई ऊपर से मार रहा है कोई कैसे मार रहा है कोई भगदड़ में मर रहा है मर जाता है अच्छा तो कुछ भी ना बने अच्छी बात अब बने तो मस्जिद बने जी हाँ तो बोला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जय श्री राम अगर वहाँ मंदिर बने या मस्जिद बने तो फर्क पड़ेगा कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ मान लीजिए मस्जिद बन गई तो फर्क पड़ेगा हमें बनी नहीं सकती नो पॉसिबिलिटी एट ऑल क्वेश्चन डज नॉट राइज मंदिर बनना ही चाहिए तो मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनना चाहिए ना अगर वहाँ कुछ भी नहीं बने तो नहीं नहीं नो मंदिर देयर शुड बी टेंपल मंदिर बनना ही चाहिए भाई कुछ भी क्यों ना बने अच्छा बने या ना बने अपन को कोई टेंशन नहीं है देखिए ना जैसे सेंटर में बीजेपी है स्टेट में बीजेपी है हर जगह बीजेपी है फिर भी नहीं बन रहा मंदिर क्यों बनेगा 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 अब बनेगा अब तो इलेक्शन आ रहे हैं अरे अभी बनेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ जाए सुप्रीम कोर्ट तो जो है ना हमारा बेकार है यस एक 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 आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोल देता है और उसमें 65 हमारे एमपी पेटिशन लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है परंतु जहां राम मंदिर का प्रश्न आता है सुप्रीम कोर्ट कहता है ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है व्हाट नॉनसेंस यार हिंदुओं के देश के अंदर हिंदू के किसी काम की प्रायोरिटी नहीं है आतंकवादियों की प्रायोरिटी है व्हाट आर कंट्राडिक्शन यार ये देश है ये देश अपने ही लोगों को कुल्हाड़ी मार रहा है 2019 में कौन आएगा 19 में मोदी बनेगा मेरे हिसाब से कांग्रेस आना चाहिए 2019 में राम मंदिर इशू है कि नहीं है कोई इशू नहीं ये सब ढकोसलेबाजी है कुछ नहीं होना है इसका सिर्फ पब्लिक को चूतिया बनाने वाली बात एक मुद्दा है।
खैर ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि मंदिर बनेगा कि मस्जिद, लेकिन आप जो है ना इस पॉलिटिक्स के मजे लेते रहिए। और हाँ, अपनों से इस पॉलिटिक्स के चक्कर में दुश्मनी मत कीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स खेल है भैया, आपके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगाड़ देगा। बाकी जय श्री राम और अल्लाह हू अकबर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।